आपको ब्रेकअप के बाद आइसक्रीम खाने का मन होता है, क्या आपको मूड अच्छा करने के लिए चॉकलेट खाने का मन होता है, तो कुछ ऐसे ही तथ्य और उसके कारण जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। हाय, मेरा नाम पूजा है और आज मैं और मेरी टीम आपको गुड फूड, गुड मूड और कैसे खाना स्ट्रेस बस्टर्स की तरह काम करता है उसके बारे में बताएंगे। हिप्पोक्रेट्स, जिसे हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, उन्होंने कई सालों पहले ही कह दिया था कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। उन्होंने हमें खाने के उपचार तत्वों के बारे में भी बताया था। आजकल लोग डिप्रेशन और तनाव के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं, उसकी जगह हमारे रोज के खाने में ऐसे 20 कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें तनाव दूर रखने की क्षमता है, यानी कि एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज है। उसमें से हम आज कुछ कंपाउंड्स देखेंगे। पहला है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन नामक कंपाउंड में से बनता है। सेरोटोनिन को हम हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सेरोटोनिन हमें सोने में, तनाव और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोगों को दूर रखने में मदद करता है। यह माइग्रेन जैसे पेन को भी कम करता है। सेरोटोनिन की लेवल कम होने की वजह से हमें आक्रामकता, तनाव और चिंता जैसी तकलीफें देखने मिलती है। सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम अलसी, आंवला, पाइनएप्पल, एप्पल, मकई और बादाम जैसी की चीजें और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मल्टीग्रेन रोटी और बासमती राइस जैसी चीजें का सेवन कर सकते हैं। सेरोटोनिन का लेवल बढ़ने से हमारा तनाव दूर होता है और मन को शांति मिलती है। दूसरा कंपाउंड है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह हमारे ब्रेन सेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे ब्रेन सेल का बाहरी हिस्सा बनाता है जो हमारे दिमाग में पहुंचने वाले संदेश की गतिविधि को तेज करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर में जीन्स को सक्रिय करके सेरोटोनिन भी बनाता है। जो लोग मांसाहारी है वह लोग ऑयली फिश जैसे कि सालमन, मैकरल, सार्डिन्स, ट्यूना का सेवन कर सकते हैं, और जो लोग शाकाहारी है उन लोगों के लिए अखरोट और अलसी एक अच्छा विकल्प है। पुरुषों में ओमेगा 3 फैटी एसिड का अनुशंसित स्तर यानी कि रिकमेंडेड मिनिमम लेवल्स 1.6 ग्राम प्रतिदिन है और महिलाओं में अनुशंसित स्तर 1.1 ग्राम प्रतिदिन है। कुछ ऐसे ही और कंपाउंड्स देखने के लिए प्लीज यह वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम ज्विंकल राणा है और मैं आज आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी जो हमारे फूड में मौजूद होते हैं और जिसे खाने से हमारे स्ट्रेस यानी कि तनाव को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। हिप्पोक्रेट्स की बात लाइमन ने कहा था, जस्ट एज फूड्स डिटरमाइन अवर मूड, सो डू अवर मूड डिटरमाइन व्हाट वी ईट। यानी जैसे खाना हमारे मूड को निर्धारित करता है, वैसे ही मूड हमारे खाने को। हमारा पहला कंपाउंड थियानिन है। थियानिन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे स्ट्रेस यानी कि तनाव और चिंता को मैनेज करते हुए हमारे दिमाग को रिलैक्स फील करवाता है। इसका डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये हमारे दिमाग में वेव प्रोडक्शन बढ़ा के हमें रिलैक्स फील करवाता है। ये कई और कंपाउंड्स बनाने में मदद करता है जैसे कि डोपामाइन और ट्रिप्टोफैन। ये ग्रीन टी, ब्लैक टी, कॉफी और मशरूम्स के कई प्रकारों में पाया जाता है। हमारा दूसरा कंपाउंड ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड्स है यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसा ग्रुप जो हमारी बॉडी के 75% तक की प्रोटीन को बनाता है। ये ज्यादातर प्रोटीन रिच फूड्स में पाया जाता है। इसके अलावा दूध, होल ग्रेन्स और ताजे फल और सब्जियों में भी पाया जाता है। सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन की मदद से बनता है, इसीलिए अधिकतर मात्रा में ट्रिप्टोफैन का सेवन करने से हमारे बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल्स भी काफी हद तक बढ़ सकते हैं। ट्रिप्टोफैन विटामिन B6, नियासिन और मैग्नीशियम के साथ मिलकर सेरोटोनिन बनाता है। मूंग बीन्स, कॉटेज चीज, फिश, टर्की, बनानास, ड्राई डेट्स और पीनट्स जैसे खानों में ये मौजूद होता है, इसीलिए इन खानों को गुड मूड फूड्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये कहा जाता है कि रोजाना 300 से 600 mg ट्रिप्टोफैन का सप्लीमेंटेशन लेने से स्लीप डिस्टर्बेंसेस, माइग्रेन, वेट लॉस, चिंता और डिप्रेशन जैसी कई चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसे अधिक मात्रा में लेने से हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, इसीलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। जिसे भी रात को अच्छी नींद ना आती हो वो रोजाना सोने से पहले 100 mg ट्रिप्टोफैन का सप्लीमेंटेशन लेंगे तो उन्हें अच्छी नींद आने में काफ़ी फायदा होगा। ऐसे ही कई और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स
और गुड मूड फूड्स के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारा पार्ट 2 जरूर देखें। थैंक यू।